कचरे की समस्या को लेकर आज झुंझुनू का मुकुंदगढ़ कस्बा और मंडी क्षेत्र पूर्णतया बंद है। 2 दिन पहले तक नवलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र का कचरा झुंझुनू नगर परिषद क्षेत्र में डाला जा रहा था, लेकिन झुंझुनू नगर परिषद द्वारा इसके लिए मना करने पर नवलगढ़ नगर पालिका के सामने कचरा डालने की समस्या फिर से पैदा हो गई, जिसके बाद मुकुंदगढ़ क्षेत्र में कचरा डालने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन 2 दिन से लगातार इसका विरोध हो रहा है। आज विरोध इतना बढ़ गया कि मुकुंदगढ़ कस्बा भी बंद हो गया। सुबह से ही दुकानें नहीं खुली, कुछ खुली तो उसे नगर पालिका चेयरमैन सत्यनारायण सैनी की अगुवाई में पार्षदों ने समझाइश से बंद करवा दिया। इस मामले में न केवल कांग्रेस व भाजपा एक मंच पर आ गए, बल्कि शिवसेना सहित अन्य संगठनों ने भी बंद को समर्थन दिया है। चेयरमैन सैनी सहित अन्य दलों के नेताओं ने चेताया है कि वे किसी भी सूरत में नवलगढ़ का कचरा मुकुंदगढ़ में नहीं डालने देंगे, इसके लिए चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। चेयरमैन ने बताया कि नवलगढ़ का कचरा मुकुंदगढ़ में न डाला जाए, इसके लिए बाकायदा सर्वसम्मति से प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाया जा चुका है, लेकिन सरकार जबरदस्ती कचरा डलवाने पर तुली है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ऐसे राज्य सरकार द्वारा जो एक तुगलुक की फरमान जारी करके नवलगढ़ का कचरा मुकुंदगढ़ में गिराने की जो साजिश रची जा रही है, इन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर जो कल यहाँ मुकुंदगढ़ में कचरा डाला गया था, हम मुकुंदगढ़ ग्रामवासी उसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये चेतावनी देते हैं राज्य सरकार और प्रशासन को कि जब तक हम जीवित हैं हमारी जान भी क्यों न चली जाए। पूरे नगरवासी, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे शिवसेना हो, सब हम एक हैं। नवलगढ़ का कचरा मुकुंदगढ़ में बिल्कुल नहीं डाला जाएगा और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं सभी व्यापारियों का व ग्रामवासियों का व जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राज्य सरकार हमारी इस चेतावनी को हल्के में ना ले और प्रशासनिक अधिकारियों को हम चेता चुके हैं, बार बार ज्ञापन दे चुके हैं, बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लेकर डीएलवी को भिजवा दिया गया है निरस्त करके यहाँ से। और अगर राज्य सरकार जबरदस्ती करेगी तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे, इसके लिए चाहे हमें हमारी जान भी कुर्बान करनी पड़े, हम पूरे ग्रामवासी सब एक साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। बोलो, राजस्थान सरकार ने नवलगढ़ का कूड़ा कचरा मुकुंदगढ़ में लाकर डालने का जो निर्णय किया है वो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं माना जा सकता। हमारे पास जो जोड़ी की जमीन है वो इतनी छोटी है कि मुकुंदगढ़ कचरे के लिए ही समस्या बनी रहती है, तो नवगढ़ का कचरा वहाँ कहाँ खपेगा, जबकि हमारे से 10 गुना अधिक कचरा वहाँ पे तैयार होता है। अब उच्च अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को भी बोर्ड ने अपना सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके भेज दिया है, डीएलवी को भी भेज दिया है, उसके बाद यदि प्रशासन द्वारा अपनी हठधर्मिता जारी रखी जाएगी तो मुकुंदगढ़ की जनता इसको सहन नहीं करेगी और उसके लिए चाहे जो भी त्याग होगा हम करने के लिए तैयार हैं। मोदी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया, हम पूर्ण रूप से इसके समर्थन में हैं। हम ये घोषणा करते हैं कि सरकार का ये निर्णय हम नहीं मानते। कचरा अगर यहाँ आता है तो हम सब जो है साथ हैं और हम ये घोषणा करते हैं कि चाहे हमें सीएम का पुतला क्यों ना फूकना पड़े, और हम सीएम के पुतले की घोषणा करते हैं। परसों जो है हम इस मामले को लेकर, कल तक जो है हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो परसों जो है हम सीएम का पुतला जलाएंगे।